अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, मैं हूं ज़िया रहमान जिलेज, लाइफ राइजर एंड करियर काउंसलर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मुतल्लिका। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं और ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने जा रही है। हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या। मशीनरी की स्टडी, मैकेनिक्स की स्टडी का नाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। यानी किसी भी इंडस्ट्री में जो जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं, नए से नई मशीन्स को इंट्रोड्यूस करवाना, उनके डिज़ाइन बनाना, इनोवेशन लेके आना, ये मैकेनिकल इंजीनियर का काम होता है। अगर आप मशीनों में इंटरेस्ट रखते हैं, मशीनों को खोलने में, जोड़ने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बड़े मज़े की साबित होगी। इसके अलावा ये किन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की है इंटरमीडिएट में और 60% आपके नंबर हैं, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने डीएई की है, डीएई आपने कह लें कि आपने 3 साल जो डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, अगर वो किया है और आपके 60% नंबर हैं, तो तब भी आप एलिजिबल हैं कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, स्कोप क्या है, तो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे मशीनरी यूज़ होती है तो मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत तो पड़ेगी। आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, वो फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री हो, दुनिया जहाँ की कोई इंडस्ट्री, पावर प्लांट्स हों, एयरपोर्ट्स हों, कोई बड़े से बड़ी कोई भी इंडस्ट्री हो, वहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत तो पड़ेगी। इसके साथ साथ रिसर्च में आप जा सकते हैं, आप टीचिंग के शोबा को अपने लिए अपना सकते हैं। हर साइड पे मैकेनिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है, वो यूनिवर्सिटीज़ हों, वो इंडस्ट्रीज़ हों, वो कोई कंपनी हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके स्कोप में किसी लिहाज से कमी नहीं है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। रही बात कि पाकिस्तान में इसका स्कोप क्या है, तो नस्ट यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद में, वहाँ पर ये डिग्री करवाई जा रही है, प्यास में करवाई जा रही है, आईएसटी इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में हो रही है, यूईटी टेक्सला हो, यूईटी पिशावर हो, यूईटी लाहौर हो, वहाँ ये डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। उसके मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो में, वहाँ पर ये डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए यूनिवर्सिटी बेहतरीन साबित होंगी। स्कोप मैंने पहले बता दिया, यूनिवर्सिटी की लिस्ट फिर से बता देता हूँ। एयर यूनिवर्सिटी है, आईएसटी है, यूईटी पिशावर, यूईटी टेक्सला, यूईटी लाहौर, उसके साथ नस्ट है, प्यास है, ये वो तमाम यूनिवर्सिटी हैं जहाँ आपके लिए ये डिग्री प्रोग्राम बेहतरीन साबित हो सकता है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, मैकेनिक्स की फील्ड में आना चाहते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अपने करियर के तौर पे अपनाना चाहते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।